वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों. बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अब मैं आपको एक न्यू ट्रीटमेंट ऑफ बता रही हूँ, वॉक्समैन कंपनसेशन रिजर्व. मतलब दीज आर द स्पेसिफिक रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि इनका रिटायरमेंट वाले चैप्टर में क्या करना है सेम चीज़. एग्रीमेंट में चेंज आने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एस ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, एग्रीमेंट चेंज होने से पहले ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओल्ड रेशियो में. तो देखना एक बार, ये एक रिजर्व आपके पास और आ रहा है. देखना बच्चे ध्यान से, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है इस रिटायरमेंट के टाइम, इसका क्या करना है. वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, ये टॉपिक है हमारा. अब ये रिजर्व बनता किस लिए है, ध्यान से समझना जो मैं बता रही हूँ, किस लिए बनता है ये रिजर्व. ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझनी है आपने, ये किस लिए बनता है. आपको पता है जब ए बी सी थ्री पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2:1. आपको पता है जब ये बिजनेस कर रहे हैं, इनके बिजनेस इनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज मतलब वर्कर्स काम करते हैं. आपको पता है काम करते टाइम अगर वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्म के ऑनर मतलब पार्टनर को वर्कर को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है. ठीक है, कि अगर काम करते हुए वर्कर का एक्सीडेंट होता है तो फर्म के ऑनर पार्टनर को वर्कर को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है. ठीक है, तो अब एबीसी के सामने प्रॉब्लम है कि अगर एक साल में 5 से 6 वर्कर का भी एक्सीडेंट हो गया तो उनको देने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे. तो एक समझदार बिजनेसमैन वही होता है जो अपने लॉस के लिए और एक्सपेंस के लिए पहले से ही अरेंजमेंट करके चलता है. ठीक है, अपने एक्सपेंस के लिए और अपने लॉस के लिए पहले से ही अरेंजमेंट करके चलता है. तो इन्हें लग रहा है कि वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो कहाँ से पैसे आएंगे जब बिजनेस एबीसी कर रहे हैं. तो क्या किया इन्होंने, जब इनके बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, तो इन्होंने प्रॉफिट का कुछ पार्ट लॉस को कवर करने के लिए एक स्पेसिफिक रिजर्व बनाया और उस स्पेसिफिक रिजर्व को एक नाम दिया वॉक्समैन कंपनसेशन रिजर्व. आपको पता है जनरल रिजर्व तो एक नॉर्मल रिजर्व है, ये स्पेसिफिक रिजर्व है किसी पर्पस के लिए बनाया. ठीक है, तो प्रॉफिट से कुछ पैसे यहाँ डालिए तो रिजर्व बन गए प्रॉफिट से, और ऐसा प्रॉफिट जो बांटा नहीं है रिजर्व में डाल दिया तो रिजर्व प्रॉफिट से बनते हैं, और ऐसा प्रॉफिट जो बटा नहीं है तो इनका क्रेडिट बैलेंस होगा. तो क्या होगा जब एबीसी अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, एबीसी अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे 3:2:1 इनकी रेशो है, तो ये वॉक्समैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है और ये यहाँ मान लो 60 ट्रांसफर किए थे इन्होंने, कितने ट्रांसफर किए थे 60 रिजर्व में, और रिजर्व एक ऐसा प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ऐसा रिजर्व है जो क्या इसमें कितना ट्रांसफर किया है 60. ठीक है, और ये ऐसा प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो इसका बैलेंस बचेगा, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको यहाँ नजर आएगा. और आपको पता है ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो करता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. रिजर्व सारे होते हैं जो ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ. ठीक है, तो ये यहाँ पड़ा हुआ शो करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ठीक है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्लियर. ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यहाँ पड़ा हुआ शो कर रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ठीक, जितने भी रिजर्व हैं प्रॉफिट से बनते हैं, और ऐसा प्रॉफिट जो बटा नहीं है इसलिए इनका बैलेंस बचता है, बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आता है. ठीक है, आप बताओ सी रिटायर फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कौन रिटायर होने वाला है सी, तो एग्रीमेंट में क्या आने वाला है चेंज. तो आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है, तो नए सिरे पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं
दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बढ़ जाने चाहिए। लेकिन ये स्पेसिफिक रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ कंडीशन है, उसको फॉलो करना है आपने, ठीक है? सुना ध्यान से, आपको पता है अगर वर्कर का एक्सीडेंट होता है तो वर्कर फर्म पे क्लेम करता है, क्लेम करता है मतलब दावा करता है कि मुझे पैसे दो, ठीक है? तो अगर आपके पास रिटायरमेंट की डेट पे आपके पास फर्स्ट केस है नो इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिटायरमेंट की डेट पे, इसका मतलब आज की डेट तक वर्कर का क्या नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है? तो वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मुझे बताओ एग्रीमेंट में चेंज आने वाला है, तो ये पैसा तो यूज़ ही नहीं हुआ, रिजर्व यूज़ ही नहीं हुआ, तो इस पर किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर का। तो सी के जाने से पहले इसको ओल्ड रेशियो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट पूरा का पूरा रिजर्व। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, इस पे राइट किसका है, एबीसी का ओल्ड रेशियो में। तो सी के जाने से पहले सब कुछ करो, ठीक है? तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है? 60,000, 30,000, 20,000, 10,000। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीज कैपिटल, ठीक है? इससे क्या होगा, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, बैलेंस खत्म हो गया, नई बैलेंस शीट में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि ये बढ़ चुका, बैलेंस खत्म। अब बताओ, अब नेक्स्ट केस आता है हमारे पास कि अगर वर्कर का एक्सीडेंट होता है तो क्या सिचुएशन आती है। तो अगर इसके अलावा अगर सेकंड कंडीशन है, चलो अगर वर्कर का एक्सीडेंट होता है तो वर्कर फॉर्म पे क्लेम करता है, तो नीचे लाइन लिखी होगी क्लेम फॉर वर्क्समैन कॉम्पनसेशन इज डिटरमाइंड रुपीज 24, मतलब वर्कर का इतना क्लेम डिटरमाइंड हुआ है कि इतने आपको वर्कर को देने हैं, तो इस केस में आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 60, वर्कर का क्लेम कितना है 24, तो इतने पैसे तो आपको वर्कर को देने हैं, तो किस नाम से क्रेडिट करोगे, क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 24। ये क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि इसमें रिजर्व से इतने पैसे वर्कर को देने हैं, तो ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो मुझे बताओ बाकी रिजर्व में कितने बचे, 36, तो इसे कौन बांट लेंगे, ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि पुराने टाइम का रिजर्व है, एग्रीमेंट चेंज होने से पहले ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है? ओल्ड रेशियो थी 3:2:1, तो 3/6, 36 का 3/6, 18,000, 12,000, 6,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस केस में ये एंट्री होगी, प्लस ये जो क्लेम है कितने पैसे हमने वर्कर को देने, ये मेरी लायबिलिटी है। तो न्यू बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये तो क्रेडिट था, डिक्रीज पे डेबिट, रिजर्व का बैलेंस तो खत्म हो गया, लेकिन मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है 24 से, वर्कर को देने हैं, तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से न्यू बैलेंस शीट में आएगा। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट लेक्चर में सिखा चुकी, चैप्टर में। आप बताओ अगर अमाउंट धीरे धीरे बढ़ा रही हो, मैं यहाँ पे देखना, इसके बाद बताओ मुझे अगर क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 60 हो, बराबर पहुँच जाए, तो रिजर्व बताओ कितना है 60, वर्कर का क्लेम भी कितना है 60, तो इस केस में क्या वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 60 है, लेकिन पूरे के पूरा वर्कर ने क्लेम किया तो मुझे पूरे पैसे वर्कर को देने हैं, क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 60, तो पूरा रिजर्व का पैसा वर्कर को देना है आपने, ये पार्टनर के लिए बचा ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो यही एंट्री होगी। तो रिजर्व का बैलेंस तो खत्म हो गया, क्रेडिट था डिक्रीज पे डेबिट, लेकिन मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, न्यू बैलेंस शीट में 60 आएगा क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन के नाम से, ठीक है? उस केस के बाद एक और केस और आ रहा है, सारे केस बता दिए मैंने, अगर ये 1 लाख हो,
रिजर्व से भी ज़्यादा क्लेम हो, रिजर्व से कम क्लेम हो तब क्या एंट्री होगी, रिजर्व के बराबर हो तब क्या एंट्री होगी, रिजर्व से ज़्यादा हो तब क्या होगा, तो देख रहे हैं एक बार ध्यान से। वॉक्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व 60 है लेकिन वर्कर का क्लेम कितने का है, 1 लाख, ठीक है। टू क्लेम फॉर वॉक्समैन कंपनसेशन, वॉक्समैन कंपनसेशन 1 लाख, तो अब मुझे बताओ वर्कर, मेरे पास रिजर्व 60 है और क्लेम वर्कर ने किया है 1 लाख, तो रिजर्व में तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस, और इस लॉस को कवर करने के लिए मैंने रिजर्व ही नहीं बनाया हुआ। तो आपको पता है अगर मेरे पास रिजर्व नहीं है तो लॉस रिवेल्यूशन के डेबिट में आता है, तो उस केस में जो 40,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है लायबिलिटी इंक्रीज होने का, उसमें रिवेल्यूशन को डेबिट करूँगा, ठीक है। तो रिवेल्यूशन का लॉस कौन बांटते हैं, पार्टनर, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट चेंज के डेट की सिचुएशन है तो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, तो रिवेल्यूशन का लॉस पार्टनर बांटेंगे, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट है रिवेल्यूशन, डीपी कितना लॉस हुआ 40, इसे ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। और न्यू बैलेंस शीट में जितने पैसे आपके वर्कर का क्लेम है वो एट प्रेजेंट आपकी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि वो आज की डेट में आपकी लायबिलिटी है। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो रहा है बच्चे, वॉक्समैन कंपनसेशन रिजर्व की अलग अलग कंडीशन का, ठीक है। अब देखना एक और रिजर्व के बारे में बता रही हूँ आपको, एक और रिजर्व के बारे में बता रही हूँ, स्पेसिफिक रिजर्व ही है, ठीक है। क्या है ध्यान से समझना, आपको पता है यहां बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट होती है 1 लाख में, इन्वेस्टमेंट होती है जो पैसा हमने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है बाहर किसी कंपनी में। मान लो किसी कंपनी के मैंने 10,000 शेयर खरीदे हुए हैं और एक शेयर की कॉस्ट 10 है, मतलब मैंने अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है 1 लाख। आपको पता है जो पैसा हम बाहर कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने एक शेयर 10 का खरीदा, लेकिन ये जो शेयर का प्राइस है इसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। क्या आती रहती हैं, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब इनका प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। बढ़ने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल इस कंपनी के शेयर की वैल्यू 20 हो जाए, तो आपने जो बाहर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है 1 लाख, उसकी वैल्यू 2 लाख हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी असेट की वैल्यू बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि अगर कल ही जिस कंपनी के हमने शेयर खरीदे हैं उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है उसकी वैल्यू कम हो जाए तो हमें इस असेट पे लॉस होने के क्या हैं, चांसेस हैं। तो एक समझदार बिजनेसमैन होता है जो लॉस के लिए पहले से ही अरेंजमेंट करके चलता है, प्रॉफिट की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस को कवर कहाँ से किया जाएगा उसके लिए अरेंजमेंट करके चलता है। तो क्या किया, जब ABC बिजनेस कर रहे थे, ABC इनकी रेशियो थी 3:2:1, तो इनको लग रहा है कि ये जो पैसे हमने बाहर इन्वेस्ट किए हुए हैं इस पे लॉस हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया कि जब इनके बिजनेस में प्रॉफिट है, लॉस से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का गए, तो इन्होंने बांटा नहीं, उसका कुछ पार्ट एक रिजर्व में डाल दिया और इस रिजर्व को इन्होंने नाम दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट के प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस होता है उसको कवर करने के लिए एक रिजर्व बना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये यहाँ डाल दिया गया प्रॉफिट का पार्ट, तो रिजर्व प्रॉफिट से बना है, और ऐसा प्रॉफिट जो बटा नहीं है तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, ये बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में नजर आएगा यहाँ पे, ऐसे मान लो 60 डाला था, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60 डाला था, तो ये आपको यहाँ पे पड़ा नजर आएगा। अब मुझे बताओ
ये रिजर्व कहाँ से बना है? प्रॉफिट से। और उस प्रॉफिट से जब बिजनेस कर रहे थे एबीसी ओल्ड रेशो में, तो इन्होंने प्रॉफिट बांटने की बजाय रिजर्व में डाल दिया। तो अगर ये नहीं डालते तो ये पार्टनर बांटते ओल्ड रेशो में। तो ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो करता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो एग्रीमेंट चेंज होने से पहले ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, लेकिन ये स्पेसिफिक रिजर्व है जिस पर्पस के लिए बना है। ठीक है, जिस पर्पस के लिए बना है वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप लास्ट वाले में पूछो कि मैम अगर वर्कर का बाद में एक्सीडेंट हो जाए, आज बांट रहे हैं, आज केवल नए सिरे से बिजनेस करना है, सारे रिजर्व नए सिरे से बनेंगे। एग्रीमेंट चेंज की डेट पे देख लो, वहाँ डेट तक कोई एक्सीडेंट होता है वर्कर का तो वहाँ तक क्लेम कर लेते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अलग अलग कंडीशन कैसे करेंगे। अब बताओ ये सिचुएशन आपको दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और इसके लॉस को कवर करने के लिए आपके पास रिजर्व दिया हुआ है। और ये बैलेंस शीट है एबीसी की, जब रेशो इनकी 3:2:1 थी ओल्ड रेशो, उस टाइम का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। नाउ सी रिटायर फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कौन रिटायर हो रहा है? सी, तो एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है। तो नए सिरे पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं वो बढ़ जाने चाहिए, लेकिन एक स्पेसिफिक रिजर्व है जिस पर्पस के लिए बना है, उसको सॉल्व करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब आप ये बना है इसके लॉस को कवर करने के लिए। अब सुनो, रिटायरमेंट की डेट पे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये रिजर्व यूज़ नहीं हुआ, तो आपको आज के बाद हो जाए, आज के बाद तो नए सिरे से बिजनेस करेंगे तो आज तो कुछ नहीं हो रहा ना रिटायरमेंट की डेट पे, तो ये रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ क्या शो करेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो एग्रीमेंट चेंज होने से पहले ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, 60,000 ओल्ड रेशो में 3:2:1 पे बांट दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, बट गया। न्यू बैलेंस शीट में ये रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि बट गया, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखो, अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है तब आपका एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बच्चे एक बार देखना कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका प्राइस दिया हुआ है। इफ मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60, इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस कितना है? 60। तो बताओ आपकी इन्वेस्टमेंट अंदर कितने की है? 1 लाख। मार्केट प्राइस होता है लेटेस्ट प्राइस, आज की डेट का प्राइस 60। तो बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रही है? 40। असेट की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लेकिन रिवैल्यूएशन में इस टाइम नहीं डाला क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए रिजर्व बना हुआ है, तो इस रिजर्व को, लॉस को अब रिजर्व से कवर करोगे। ठीक है, तो जो 40 का लॉस हो रहा है कैसे कवर करोगे, ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट 40। आपको ये क्यों हुआ? आपको पता है असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो डिक्रीज पे 40 से क्रेडिट हो गया। अभी तक आप इस लॉस को डाल रहे थे रिवैल्यूएशन में, लेकिन इस टाइम आपने ये रिजर्व से कवर किया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से यूज किया। तो बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना था? 60। लॉस के लिए कितना यूज हुआ? 40। तो बाकी बताओ कितना रिजर्व बचा? 20। इसे कौन बांटेंगे? ऑल पार्टनर ओल्ड रेशो में, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ओल्ड रेशो में 3:2:1 में ये बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट हो गया, और यहाँ कोई लाइबिलिटी वगैरह भी नहीं है, तो असेट वगैरह, असेट डिक्रीज दिखा देंगे बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि पूरा यूज हो गया। ठीक है, तो इस केस में ये होगा। नेक्स्ट, अब बताओ
अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस 40 है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस कितना है 40, तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1 लाख, आज मार्केट प्राइस 40, तो कितने का लॉस हो रहा है, 60, ठीक है। तो अब रिजर्व का क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है टू इन्वेस्टमेंट, अभी तक आप एंट्री करते थे रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रिवेल्यूशन में नहीं डालोगे ये लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करोगे, तो बराबर में ये पूरा यूज हो गया, इस टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लॉस को कवर पूरा ही कर, मतलब पूरा रिजर्व यूज हो गया, लॉस को कवर करना, तो ये एंट्री होगी और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा। आप बताओ अभी तो ये उस पर पहुंचा, कम तक पे पहुंचा, अब मुझे बताना अगर ये 20 हो तब कैसे करोगे, आप बताओ इन्वेस्टमेंट 1 लाख की और आज इसकी मार्केट वैल्यू 80 की है, तो कितने का लॉस होगा, तो असेट डिक्रीज इन्वेस्टमेंट कितने से होगी, 80 से, लेकिन लॉस को रिवेल्यूशन में नहीं डालना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है, यूज करोगे डेबिट हो जाएगा, लेकिन लॉस मेरे को 80 का हो रहा है, रिजर्व मेरे पास 60 है, तो इस टाइम ये जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो रिवेल्यूशन में चला जाएगा, रिजर्व जितना है पहले वहां से कवर करो, बाकी रिवेल्यूशन में डाल दो, ठीक है, तो ये एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। अब बताओ रिवेल्यूशन डेबिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसे कौन बांटते हैं, पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है, तो लॉस बांटेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिवेल्यूशन डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, 20 का लॉस कौन बांटेंगे, पार्टनर ओल्ड रेशियो में, बांट के दिखा देना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखना सिर्फ लास्ट कंडीशन रह गई है कि अगर इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ जाए तो क्या करोगे, 1 लाख थी 120 हो गई, तो असेट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बच्चे रिजर्व बनते हैं लॉस को कवर करने के लिए, लॉस होता है तो रिजर्व से कवर होता है, ठीक है, असेट पे कोई लॉस होता है तो वो रिजर्व से कवर हो जाएगा, उसके लिए अगर कोई रिजर्व बना हुआ है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो असेट का प्रॉफिट तो रिवेल्यूशन के ही क्रेडिट में आएगा, रिजर्व में नहीं डालोगे, तो बताओ इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी 120 हुई, तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवेल्यूशन के क्रेडिट में जाती है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवेल्यूशन, ठीक है, तो बताओ रिवेल्यूशन पे प्रॉफिट, इस रिवेल्यूशन के प्रॉफिट को कौन बांटेंगे, पार्टनर्स, तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट 20 का जो प्रॉफिट हुआ टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अब आप कहोगे इस रिजर्व का ये तो यूज ही नहीं हुआ, तो ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसे भी ऑल पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, 60 है, ओल्ड रेशो में बांट देंगे, क्यों ओल्ड रेशो में, क्योंकि सी बिजनेस से जाने वाला है, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं वो पुराने टाइम के प्रॉफिट से पुराने टाइम के प्रॉफिट से बने थे, उन प्रॉफिट पे सभी पार्टनर का राइट है ओल्ड रेशो में, तो सी के जाने से पहले वो सब कुछ ओल्ड रेशो में लेके जाएगा, तो एग्रीमेंट चेंज की डेट पर जितना भी उस डेट तक का प्रॉफिट है सी लेके जाएगा, क्योंकि उसका उस पर राइट है, इसलिए ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जितने भी उस डेट तक के पड़े हुए बिजनेस में प्रॉफिट हैं ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, तो मैंने अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें सिखा दी हैं, इसके अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चे आज हमारा इसमें 31 तक हो जाएगा, ठीक है, 31 तक हो जाएगा और 40 तक ही हमारे सिलेबस में है, ये चैप्टर इसी वीक में फिनिश हो जाएगा।